अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फहद के साथ। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, जो कि यम्मी, क्विक और दो मिनट में बनने वाली रेसिपी है। रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। आज ये हमने लिए हैं 2 अदद अंडे। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 अदद अंडे लिए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, ये चीनी ली है और ये जो है वो 1 ग्लास से ज़्यादा दूध लिया है। ब्रेड को जो है वो मैं छोटे छोटे 4 स्क्वायर शेप में कर दूँगी, क्यूब शेप्स में, और फिर उसके बाद इसको हम जो है वो फ्राई करेंगे। पैन में हमने बटर करके, ग्रीस करके उसको गर्म कर लिया है। साइड से काट लेंगे। साइड से काटने के बाद जो है वो हम इसको चकोर पीसेस में जो है वो छोटे क्यूब शेप्स में जो है वो इस तरह से जी हमने मिल्क में जो है वो शुगर 1/2 कप और थोड़ा सा 1 चुटकी सॉल्ट और 2 अंडे, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फिर जो मैंने इसको छोटे पीसेस में ब्रेड करके रखा है, इनको मैं इसमें डिप करती जाऊँगी और बटर में इसे फ्राई करेंगे। बहुत मज़े के यम्मी से जो है ये फ्रेंच टोस्ट बनते हैं 2 मिनट में। ऐसे सबको डिप करती जाऊँगी और डिप करके फिर जो बटर है, बटर के पैन में जो है वो मैं इसे इस तरह से जो है वो डालती जाऊँगी। जी जो बटर हमने पहले से गर्म कर लिया था पैन में, उसमें जो है वो मैंने फ्रेंच टोस्ट डाल दिए हैं। अब ये जब नीचे के साइड से अच्छी तरह से सिक जाएंगे तो फिर मैं इन्हें टर्न कर दूँगी। जी मैंने इसे इस तरह से टर्न कर लिए, ठीक है। ये एक साइड से जो है वो तकरीबन हो गए हैं। अब ये जब ये इस साइड से हो जाएंगे तो फिर हमें इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह जो बाकी हमारे टोस्ट हैं वो भी हम इसी तरह तलेंगे। जी ये जो बाकी हमारे टोस्ट थे वो भी हमने इसी तरह डाल के और इनको दोनों साइड से पलट कर बना लिया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। एक पीस मैं इसको साबुत जो है वो इसमें डिप करके फ्राई करूँगी, दोनों साइड से डिप करके, और फिर इसे बटर में फ्राई कर लेंगे। जी ये मज़ेदार से हमारे फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं। जी आप ये देख सकते हैं, एक मैंने बड़े साइज़ का बनाया है, ठीक है, और बाकी मैंने जो है वो ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके स्मॉल साइज़ में बनाया है। इसके साथ हमने बटर पर बिस्किट रखा है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है, और साथ में ये बटर के हमारे फ्रेंच टोस्ट बटर में बने हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही यमी और सॉफ्ट सा आता है। आप भी जो है वो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, 2 मिनट में बन जाती है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। नासिर।